सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, और विपक्ष ये कह रहा है कि सब कुछ लूट गया, तबाह हो गया। क्या सब कुछ तबाह हो गया? नहीं चावला जी, कुछ भी तबाह नहीं हुआ है। आप इसको ऐसा मत बोलिए कि तबाह हो गया। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये अर्थशास्त्र का विषय है, तो ये तो अर्थशास्त्र का विषय है ही नहीं, ये पॉलिटिक्स का विषय है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पसमंजर में समझिए। पहले भारत को कैसे लूटा? डायरेक्ट अटैक करके। मुगल आए, अंग्रेज आए, डायरेक्ट राज किया। उसके बाद कैसे लूटा कि जी न्यूक्लियर बम का धमकी दिखा करके। जब हम न्यूक्लियर कैपेबल हो गए तो धंधा बंद हो गया। फिर कैसे उन्होंने लूटा? कोरोना यानी बायोलॉजिकल वॉर, ठीक है। उसके बाद साइबर अटैक। ये सारी टेक्निक है किसी कंट्री को जीतने का। और अब ये नई टेक्निक आई है, जब सारी टेक्निक सारे हथकंडे इनके फेल हो गए, तब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर इन्होंने छेड़ा है। तो ये मेरा ओवरऑल परसेप्शन है। अब टेक्निकल बैकग्राउंड पे मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ? 1000% हिंदुस्तान के खिलाफ, एक उभरती हुई इकोनॉमी के खिलाफ। देखिए 2022 में एक रिपोर्ट आई कि भारत की कंपनियां, मतलब दुनिया में जो सबसे रिच कंपनी है, वेल्दी कंपनी है, इनकी रैंकिंग फिफ्थ हो गई। ये नवंबर या दिसंबर में रिपोर्ट 2022 में आई थी, और उसके बाद से खेल शुरू हो गया। तो जरा खेल समझिए ना, क्या क्या हो रहा है। ये 15 लाख करोड़ पे डूब गए, आप ये कह रहे हैं साजिश है? नहीं, अरे आप मेरे को ये बताइए, अडानी की कंपनी वही है, ठीक है। अडानी के जितने ऑफिसेज हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितने पोर्ट है, सब जगह काम चल रहा है, एक भी इंप्लॉई नहीं निकाला गया है, तो कहां से कंपनी डूब गई? रही बात शेयर मार्केट में जो पैसे डूबने के हैं, तो शेयर मार्केट हमेशा परसेप्शन बेस्ड होता है सर। किसी भी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपए होती है, और उसकी 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 मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए कैसे पहुंच जाती है? लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है।